हेलो दोस्तों, आप सभी फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSCN बैंक्स में। दोस्तों, की जैसा आप सभी को बताया, मैं रामनिवास आपके साथ बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी जो हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वैकेंसियाँ निकली थी, तो वो फॉर्म फिल आप घर बैठे कैसे कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी शॉप हैं वो बंद चल रही हैं, तो आप कहाँ पे इस फॉर्म को भरेंगे? अगर आपके पास फ़ोन है तो अभी आप इस फॉर्म को घर बैठे भर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा किस तरह से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ साइज हैं, PDF में साइज़ कैसे कितना होना चाहिए, फोटो साइज़ कितना होना चाहिए, वो वीडियो के एंड में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको पूरा प्रोसीजर जानना है। और इसके अलावा इनकी जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, उससे पहले आप अगर घर बैठे हैं तो भी आप फोन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम मोस्टली और आप कह सकते हैं कंप्लीट जो इतने ही फॉर्म होते हैं हम आपको अप्लाई करना यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, आपको यहाँ पे फ्री जॉब अलर्ट पे जा सकते हो या सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हो। वहाँ से आप इसको जैसे आप ओपन करोगे ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे, ये हरियाणा की वैकेंसी है तो यहाँ पे आपको हरियाणा में जाना है। HR पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको मिल जाएंगे ये HSC TGT अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, इसी में आपको जाना है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं और वहीं से आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पे जो नीचे आओगे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020, इसमें आपको चेक करना है। और इसमें जो आप ओपन करोगे तो ये वैकेंसीज हैं आपकी, और जिनकी जो लास्ट डेट है आप देख रहे हो अगेन एक्सटेंडेड 15 मई 2020। और इसमें आपको नीचे जाना है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका ओपन होएगा। और इसके अलावा बता दो दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जो कि आपका ये स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन आपकी डायरेक्ट खुलेगी। ठीक है, उससे भी आप वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप कोई भी एक फॉर्म ले लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। जैसे कि स्टोर कर रखा है तो इसमें हम कर देते हैं अप्लाई। तो ये यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लेना, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो पहले दिया है डेट कब से कब तक होगी, किस तरह से क्या काम करना है। दोस्तों, इसमें जो फाइल अपलोड होंगी वो मैं बता दूँ, वो PDF में अपलोड होंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे PDF में अपलोड होने हैं, और उनका साइज रहेगा 500 KB से कम। ठीक है, 500 KB से कम के आपको डॉक्यूमेंट ऑफिस में अंदर अपलोड करने हैं। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट एडवाइस टू विजिट ये वेबसाइट दी है, जिसे आप उठा सकते हो डायरेक्ट, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है उसके अंदर से भी आप इसको उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, इसके मैं बता दूं आपको, इसको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया है 017 और 6619062 और 63 पे आप इसको कॉल कर सकते हैं 9 से 5:30, या फिर मेल कर सकते हो recruitmentportal@cdac.in पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप खुद भर रहे हो तो आपको यस करना है कि आप खुद भर रहे हो इसको, और नहीं भर रहे हो तो आपको कैफे वाला भर रहा है तो ये, और कैफे वाले की डिटेल भरी जाएगी ये किसने भरा है। ठीक है, तो आप खुद भर रहे हो तो यस, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट आपको अप्लाई करनी है इसमें से। ठीक है, कर दोगे, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे फादर नेम आएगा, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपका स्टेटस मैरिड अनमैरिड। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये जो 5 नंबर मिलते हैं हरियाणा में, तो ये है कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उस फॉर्म का लिंक भी हम इसके अंदर दे देंगे, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल के वहां से आप उसको फिल करके वो आपके अपलोड करने के काम आएगा। जिसकी गवर्नमेंट जॉब है उसको यस करना है, जिसकी नहीं है नो करना है। ठीक है, और ये आपका जिनके द फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड है, जिसकी फादर डाइड अटेंडिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स। ठीक है, इसमें यस और नो करना है आपका जैसा स्टेटस उस हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपने यस किया है तो फादर की एक्सपायर डेट, ठीक है, बर्थ ऑफ फादर लिखना है, जिससे एज कन्फर्म हो उसके। तो ये आपका इसमें तो मोस्टली हरियाणा, अगर हरियाणा में आप अप्लाई करें तो
नो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी और संस्कृत में मोस्टली करते हैं तो यस आएगा, जिसे नहीं किया तो नो करेंगे आप। अच्छा, इसमें आप डेली वेज पे कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट वेज पे काम करते हो या नहीं करते हो? करते हो तो यस, नहीं तो नो आएगा, मोस्टली तो नो ही करना है इसके अंदर। और यहाँ पे कितने दिन काम किया है वो लिखना पड़ेगा, अगर यस करोगे तो हरियाणा का डोमिसाइल है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। और इसमें है कि आपने इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर पहले भी अप्लाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पुराना रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा दोस्तों। उसमें आपके आपके पास, अगर आप पुराना रजिस्ट्रेशन डालते हो तो आपके पास वो स्लिप होनी चाहिए, वो चालान होना चाहिए जो आपने पहले कटवाया था, ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर अपलोड होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे ये फीस को वेव दिखा देता था, लेकिन अब क्या करता है, ये फीस को वेव नहीं दिखाता है, ये क्या करेगा, उसको अपलोड में मांगेगा उस स्लिप। तो ये इसमें इस चालान को, पहले क्या होता था, पहले उसमें ये वेव दिखाता था उस फीस को, लेकिन अब क्या करता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरवाएगा और वहाँ पे उसको अपलोड करवाएगा कि आपने कौन सा चालान आपके पास था। अगर वो है तो आप इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मत डालिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है प्रोसीड, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड करोगे और तो आपका ये ओपन हो जाएगा कि जैसे मैंने कोई भी नाम भरे हैं राम श्याम इस तरह से, तो आपका ये फॉर्म यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर लिखना है, नेशनलिटी लिखना है और मेटल स्टेटस लिखना है। उसके बाद आप कैटेगरी लिखोगे आपकी, क्या जनरल SC या BC भी, तो इस तरह से आपको ये डालना है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है तो वो डालना है, डिसेबल यस करोगे तो डिसेबिलिटी कितनी है वो भी डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है ये भी डालना है, यस और नो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 10th की डिटेल डालनी है, 10th की डिटेल डालोगे, पासिंग ईयर डालोगे और डेट ऑफ डिक्लेरेशन, सिनिस्ट्री बोर्ड मार्क, ठीक है, कंप्लीट कर लेना इसको। और उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा है तो आप इस यहाँ पे पूरी डिटेल इसकी डालोगे, एक्सपीरियंस कब से कब तक का रहेगा, किस बोर्ड में किस पद पर आपका था। और नेक्स्ट में एड्रेस डालना है दोस्तों आपको, ये सेम एड्रेस, अगर सेम आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी यही है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इसके अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका सेम हो जाएगा, दोनों के दोनों परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आप एक बार देंगे तो, और टिक करते एक साइड का भर लेना, टिक करते ही दूसरी साइड का अपने आप भर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डाल देना है और इसको क्लिक कर देना है नेक्स्ट प्रोसीड। वहाँ पे जैसे ही आपने प्रोसीड किया वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके सेकंड स्टेप जो कि आपका ये सामने दिख रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट एट फी पेमेंट, ठीक है दोस्तों। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डालना है, मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा सकता इसके अंदर क्योंकि इसमें मैंने आप जो पासवर्ड है वो क्रिएट नहीं किया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो डालना है और उसके बाद जो पासवर्ड आएगा वो डालना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करने हैं। पहला तो दोस्तों आपको अपनी 10th और अपनी जितनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं इसके अंदर उन सभी के साइज को छोटा कर लेना है, क्योंकि जो PDF आएगी पहली आएगी जो डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए आएगी, पहले PDF अपलोड करनी है आपको, तो उसमें आपको 10th और सभी डॉक्यूमेंट्स की एक PDF बना लीजिएगा जिसका साइज कितना हो, 500 KB कम हो, ठीक है दोस्तों। वो दो जगह काम आएगी, एक तो आपके जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो सारे लगेंगे वहां पे अपलोड कर सकते हो, एक फर्स्ट में भी आप उसको अपलोड कर सकते हो। सेकंड दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस है वो और प्लस डोमिसाइल, उन दोनों के मिला के आपको एक PDF बनानी है जिसका साइज होगा 500 KB से कम होना चाहिए, वो अपलोड होगी। और जो तीसरा रहेगा, तीसरा मैंने बता दिया एसेंशियल डॉक्यूमेंट की, आप पहले वाली कर सकते हो। और जो फोर्थ पॉइंट रहेगा दोस्तों इसके अंदर वो रहेगा, अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन यस किया है तो वहां पे आपको क्या करना है, उसका जो चलान है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, उसका साइज 500 KB रहेगा। उसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नो किया है, वहां पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहां पे एक फॉर्म मिल जाएगा और आपको मैं उसका लिंक दे देता हूँ आपको वीडियो के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको भर के, और आपको फिफ्थ में क्या करना है, पांचवें पार्ट में उसको अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करोगे आपको पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखाएगा ये, और पूरा प्रीव्यू दिखाने के बाद आपको वहाँ पे आप चेक कर लेना कंप्लीट को, आपको इसमें कुछ एडिट करना है या नहीं करना है, और उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट का ऑप्शन आते ही पेमेंट करोगे और फाइनल सबमिट
हो जाएगा, और वहां से आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों वहां से भी उसको प्रिंट कर सकते हो, आपको ऑप्शन आएगा बाई चांस आपके हाथ से अगर निकल जाए, अगर वो कट जाता है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जिस ऐसे इसमें आप स्टार्टिंग में जाओगे इसके होम पे, तो होम पे यहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अप्लीकेशन फी पेमेंट, ठीक है, दोनों यहाँ से भी अपलोड हो सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि फीस अटक जाती है, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई पेमेंट, ठीक है, तो वेरीफाई भी कर सकते हो, और आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों गुम हो गए हैं तो यहाँ से आप वो भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये पूरा वीडियो है आप सबके लिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर। दोस्तों ये था हमारा जो कंप्लीट वीडियो है, और अब मैं बता देता हूँ आपको सभी साइज क्या होंगे। तो दोस्तों आपको जो फोटो का साइज है वो चाहिएगा आपको 9 से 20 KB, सिग्नेचर का जो साइज चाहिएगा आपको वो चाहिएगा इसके अंदर आपका 9 से 20 KB, और इसके अलावा दोस्तों PDF फाइल चाहिएगी आपको, PDF फाइल आपकी 10th की चाहिएगी, और इसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट है उन सभी की PDF चाहिएगी, और उस PDF फाइल का साइज होना चाहिए 500 KB से नीचे नीचे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको कैसे करना है मैं ये आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी पोस्ट में आप एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो उस एक्सपीरियंस के साथ में, उस मान लीजिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है और अलग अलग जगह का है, तो आपको क्या करना है कि तीनों एक्सपीरियंस प्लस डोमिसाइल साथ में लगाना है, और चारों की एक एक फाइल PDF बनानी है, और उसी एक फाइल का साइज होना चाहिए 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, 10वीं प्लस 2 आपकी ग्रेजुएशंस और पोस्ट ग्रेजुएशंस, उन सभी के जो फाइल हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक PDF बना लेनी है, और वो आपकी दो जगह पे अपलोड होगी। कहाँ कहाँ पे अपलोड होगी, एक तो फर्स्ट में डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपकी लग जाएगी, और दूसरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट की आपकी वहाँ पे लग जाएगी दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर आपका नो जॉब सर्टिफिकेट भी है कि आपके घर में कोई जॉब नहीं है, तो वो कहाँ से आप कैसे करेंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, भर के फोटो खींच के, और फिर आप उसको वहाँ PDF में अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी साइज रहेगा 500 KB रहेगा, ठीक है जी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और उनका चलान उनके पास है, तो वो भी उनको भी अपना जो फॉर्म जो पे स्लिप है जो चलान है वो भी वहाँ पे अपलोड करना है, उसका साइज भी रहेगा 500 KB। अब बात आती है कि जी घर बैठे हम साइज कैसे क्रिएट करेंगे, तो साइज आपको कैसे क्रिएट करने हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप फोटो खींचेंगे, उस फोटो को किसी के साथ शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, अपने घर में ही फ़ोन है तो उसको शेयर कर लीजिएगा कि वो KB में साइज़ हो जाएगा, और उस साइज़ को आप OVI स्टोर में जाके एक PDF क्रिएटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं JPG टू PDF, ठीक है दोस्तों। सभी को सिलेक्ट करके वहाँ से आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प की जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।